अस्सलाम वालेकुम। आज हम खजूर का केक बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम खजूर लिए हैं और ये दूध है, इसको मैंने गर्म कर लिया था। अब हम ये खजूर में डाल देंगे, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन दोनों को। उसके बाद हम इसको भीगने के लिए रख देंगे आधा घंटा। अब एक जार ले लेंगे हम, इसको जार में डालकर एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है यहाँ पर। एक बोल में निकाल लेंगे हम इसको। अब हम इसमें 1 स्पून ऑयल डाल देंगे, 2 स्पून दही ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे फिर दोनों को। यहाँ पर छन्नी रख देंगे, उसके अंदर हम 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे, 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 स्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। डालकर अच्छे से छान लेंगे हम ताकि इसमें कोई लम्स नहीं आए। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसमें दूध ऐड किया है थोड़ा सा। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस डाल देंगे थोड़ा सा, उसको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अखरोट डाल रही हूँ मैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर रही हूँ मैं। फिर दोनों को मिला लेंगे। एक कंटेनर ले लेंगे हम, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ये जो केक का बैटर है उसमें डाल देंगे, डालकर थोड़ा सा टैप कर लेंगे उसको ताकि कोई एयर बबल्स ना आए। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें स्टैंड भी रख दिया है, थोड़ी देर प्री हीट होने देंगे हम। अब उसके बाद ये कंटेनर रख देंगे और पूरा 1 आवर के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। ये देखिए 1 आवर हो गया है, केक हमारा बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसके साइड्स को निकाल लेंगे और पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया केक बनकर रेडी हो गया है। इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे ऊपर से हम, अखरोट, किशमिश, काजू, बादाम, आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको कट करके भी बता देती हूँ कितना अच्छा टेस्टी और स्पॉन्जी केक बना है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी केक बना है। सो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।